राजस्थान रॉयल्स रविवार को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ सीजन का पांचवा मुकाबला खेलने जा रही है। अब तक खेले गए चार मुकाबलों में से राजस्थान रॉयल्स टीम ने सिर्फ एक मैच जीता है, जिसके चलते टीम इन दिनों 7 अप्रैल और 11 अप्रैल को होने वाले मैचों को लेकर प्रैक्टिस में जुट गई है। 2 अप्रैल को बेंगलुरु पर जीत दर्ज करने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम इन दिनों जयपुर में ही रुकी हुई है और जमकर पसीना बहाने में लगी है। इधर अब तक खेले गए चार मैचों में राजस्थान रॉयल्स की टीम में खेल रहे राजस्थान के एकमात्र प्लेयर महिपाल लोमरोर को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई, जिसका इंतजार प्रदेशवासी पहले दिन से ही कर रहे हैं। जबकि राजस्थान के तेज गेंदबाज दीपक चाहर को चेन्नई सुपर किंग्स टीम में लगातार जगह मिल रही है, तो राजस्थान के प्लेयर दीपक के भाई राहुल चाहर ने भी चेन्नई के खिलाफ मुंबई की तरफ से डेब्यू किया है। Definitely, like we didn't have a great start, but we have started with a bang. Like last game, we won against the RCB, and the momentum is like, you know, that's how we have the winning momentum we would want to like, you know, continue. But yeah, we have been training. We didn't stop training, so we continued training so that everyone is in touch. 2019 के चार मुकाबलों में एक मुकाबले में जीत हासिल करने के बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम पुणे कल SMS स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैदान में उतरेगी। चार मैचों में राजस्थान के एकमात्र खिलाड़ी महिपाल लोमरोर को जगह नहीं मिलने के बाद अब राजस्थान के दर्शक महिपाल को मैदान में देखने की उम्मीद कर रहे हैं। ऐसे में टीम मैनेजमेंट कल राजस्थान के खिलाड़ी महिपाल लोमरोर को जगह दे पाते हैं कि नहीं। जयपुर से रामरतन सैनी के साथ लोकेश ओला। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।